अपना लाडला मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उनका सम्मान हो रहा है। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। तेलुगु मंच तथा बीजेपी तेलुगु सेल इसके साथ में मिलकर आयोजित तेलुगु मेला हुआ। इसमें आए हुए, दिल्ली से आए हुए हमारे नेता, मेरे बड़े भाई बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी श्री सत्य कुमार जी, एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको केवल निजामाबाद नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, सारा भारत जानता है, सारी इंडिया जानता है, ऐसे जिन्होंने एक इतिहास कायम किया सिटिंग सीएम की डॉटर को हरा के, ऐसे श्री डी अरविंद जी, सीनियर एक्टर बीजेपी लीडर बाबू मोहन जी, मेरे मित्र और हमारे मुंबई बीजेपी के तहसीलदार श्री अरविंद देसाई जी, और जिनके निमंत्रण पे, जिनकी मेहनत में, जैसे इनके घर में शादी है ऐसे एक महीने से लगे हुए हैं, ऐसे श्री जगन बाबू और उनके सारे फ्रेंड्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, और इस ये तेलुगु मंच बीजेपी जिनके खून पसीने की मेहनत से तैयार हुई है, ऐसे हमारे सबके बड़े नेता आदर्श, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी को आज इस मौके के ऊपर मैं प्रणाम करते हुए, अभी जब पिक्चर खत्म होने पर आती है तब किसी को सुनना अच्छा, कुछ भी समझना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, और अभी अभी मुझे एक महीने पहले मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं उसी काम में लगा रहता हूँ। पर मुझे, मैं मन से आपका, जो इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं, इन सबको बहुत काम है, इन सबको अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता है, अपने दोस्तों के लिए भी समय नहीं मिलता है, अपने शौक के लिए भी समय नहीं मिलता है, पर इन्होंने आपके लिए समय निकाला है। कोई दिल्ली से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई निजामाबाद से आया है, इनका स्वागत करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये जो जगन बाबू है, मैंने ऐसा हमारे सत्या जी, बीजेपी के अंदर बहुत सारे सेल है रेड्डी साहब, पर ये जो एक जनून, जो ये जो दुनिया के अंदर जो सक्सेस लोग होते हैं वो दिमाग से कम सोचते और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, और जो दिल से सोचता है वो दुनिया फतेह करता है। ये जो हमारे जगन बाबू है, दिल से सोचने वाले आदमी, इसलिए आज आप इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो इनके निमंत्रण पे, क्योंकि आपको इन पर भरोसा है कि ये आपके सुख दुख में काम आएंगे, आपको इन पर भरोसा है कि जब इस पार्टी के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर वापस बीजेपी की सरकार आएगी, फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको यदि कभी कोई जरूरत पड़ जाए, आपके पड़ोसी को जरूरत पड़ जाए, आपके मोहल्ले में कोई जरूरत पड़ जाए, तो आपको न तो रेड्डी साहब को फोन करना पड़ेगा, न सत्या जी को फोन करना पड़ेगा, आप जगन बाबू को पकड़ लोगे और अपना काम करवा के लोगे। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात ना करके, ये जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो, इसके लिए मन से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपनी बात समाप्त करने से पहले, इतने मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई है, मैं जब एमपी साहब को सुन रहा था तो मेरे दिमाग में केवल बीजेपी, तेलुगु, कमल, मोदी, अमित भाई, फडणवीस, इतना ही जा रहा था, बाकी आपकी तालियों से समझ में आ रहा था कि सब अच्छा चल रहा है। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद देकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तेलुगु मंच बना है, ये तेलुगु मंच और आज का प्रोग्राम, इसकी सक्सेस के लिए जो सारे लोग खड़े हैं, इन्होंने जो इतनी मेहनत की है, इस मेहनत के पीछे इनका क्या मतलब है? इनका मतलब यही है कि अभी हमारे रिश्तेदारों को तो हम तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में छोड़कर यहाँ पर आ गए, कभी भगवान नहीं करे किसी को जरूरत पड़े तो वो रिश्तेदार बाद में आएंगे, ये रिश्तेदार आपके पहले आएंगे, और ये जो आपस में अपनापन है, इसी से मुंबई के अंदर भी अपन नया तेलुगु बना लेंगे, नया तेलंगाना बना लेंगे, नया आंध्र प्रदेश बना लेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ खुश से रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।